एससी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 24। टू स्मॉल स्पीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच। द स्पीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्पीयर। तभी जैसे कि 23 न्यूमेरिकल में यहाँ पे दो सेपरेट जगह पे बॉल को यहाँ पे लटकाया था और उनको रब किया था इनके लिए, इसके कारण उस पर अपोजिट चार्जेस आ गए थे, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पास आ रहे थे। अब यहाँ पे जो दो बॉल्स होंगे वहाँ पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है और एक कॉमन पॉइंट से उनको सस्पेंड कर दिया है। ऐसे ही स्ट्रिंग के जिनकी लेंथ होगी 40 सेंटीमीटर दोनों को भी, तो ये आइडेंटिकल चार्ज होने के कारण एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूर क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और कब तक चले जा रहेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आती तब तक, मतलब सभी फोर्सेस जब तक एक दूसरे को बैलेंस नहीं होते, लेफ्ट वाले राइट को और अपवर्ड वाले डाउनवर्ड वाले को बैलेंस नहीं होते तब तक ये मोशन चलती रहेगी। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये जो बॉल्स होगी उसका मास 20 ग्राम दिया हुआ है और ये जो दूर जाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आगे जा रहे हैं एक दूसरे से और वहां पे इक्विलिब्रियम आ रही है। इक्विलिब्रियम आ रही है मतलब जैसे कि सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो ये दोनों में सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है mg और स्ट्रिंग पे आ जाएगा टेंशन t। सेम यहां पे भी होगा तो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले फोर्सेस, तो ये जो होगा ये टी का कंपोनेंट, ये जो टेंशन है इसका कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग वर्टिकल से अगर थीटा शिफ्ट हो गई है तो ये एंगल पे आएगा थीटा, तो ये अगर टेंशन टी है तो ये आएगा यहाँ पे टी कॉस थीटा, और इस साइड में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। तो ये टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा मतलब यहाँ पे, और टी साइन थीटा एफ ई को, ये टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ ई को और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एमजी को। इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय टू करेंगे, वन डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो इनका डिवीजन आएगा टैन थीटा इज इक्वल टू ए एफ ई डिवाइडेड बाय एमजी। एफ ई ए इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसकी वैल्यू होगी के और ए क्यू स्क्वेयर, क्यू वन क्यू टू दोनों का सेम ही चार्ज है, और आर स्क्वेयर और ए एमजी। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि चार्ज की वैल्यू फाइंड करो, मतलब एक क्यू स्क्वेयर हमें लेना है, तो एक क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू इस टर्म को यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी टैन थीटा है और ये आर स्क्वेयर एम जी वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आर स्क्वेयर और ये एम जी और डिवाइडेड बाय के यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये के, तो इतना आएगा क्यू स्क्वेयर। अभी टैन थीटा, अभी टैन थीटा कितना आएगा, तो जैसे कि हमने देखा था कि साइन थीटा जो है वो ये थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा, ये टोटल 4 है तो ये आएगा 2 अपॉन ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 40 सेंटीमीटर मतलब ये 40 मतलब ये 1/20 कि ये एंगल स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए ये साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा मतलब टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/20 और कॉस थीटा अगर लगा कहीं पे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स 1 आती है, तो टैन थीटा की वैल्यू आएगी 1/20 तो ये क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/20 आर, आर क्या होगा दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो कि दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4×4×10^-4 मास कितना होगा एम 20 ग्राम, तो 20 ग्राम मतलब 10^-3 और जी के वैल्यू 9.8 और डिवाइड बाय के, के का मतलब 9×10^-9। अब ये 20 यहाँ पे इससे चला जाएगा, अभी स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है तो एक क्यू इज इक्वल टू ये दो 4 के लिए एक 4 ले लेंगे, 10^-4 के लिए 10^-2 अभी 9.8 इसे लिख इसे करते 98 इसे 98 क्या मतलब 10
से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 10^-1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10^-1 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 98, और 98 को कैसे लिख सकते हैं हम, 98 इज इक्वल टू 2×49। तो इसके कारण ये -3 और ये -1, 10^-4 के लिए लिखेंगे 10^-2 इसका स्क्वायर रूट। अभी 98 को इस तरह से लिखा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 7 और ये अंडर रूट में 2। अब डिनोमिनेटर में 9 का यहाँ पे आएगा 3 और ये 10^-9, तो 10^-9 है तो यहाँ पे इसे लिखते 10^-9 को इसे लिखते 10^8 और 10 तो 10^8 के लिए आएगा 10^4 और ये 10 रहेगा अंडर रूट में। तो अभी इनकी वैल्यूज पुट करने, तो 10^10 अब 10 को लिखते हैं, इस 10 को लिखते √5×√2 तो ये √2 भी चला जाएगा, तो यहाँ पे रहा सिर्फ √5। √5 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो यहाँ पे ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये Q इज इक्वल टू ये 4×7 28 और √5 की वैल्यू आएगी 2.23 डिवाइडेड बाय ये 5 √5 ये आएगा 5 × 3 = 15। अब 10 के लिए 10 ये -2 −2 −4 और ये +4 भी ऊपर चले जाएंगे तो -4 ही बनेगा, तो ये -8। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया तो ये आ गया और इसे 15 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है, मतलब ये क्यू चार्ज की वैल्यू आ रही है 4.16 × 10^-8 कूलम्ब।